दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आप उस अकाउंट के लिए एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड बनाना है तो उसके लिए जो फॉर्म है इसको कैसे फिलअप किया जाता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके इस फॉर्म को भर के दिखाने वाला हूं और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को यानी जो आपका एटीएम कार्ड के लिए ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को भरना सीख जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बीओ। बीओ मतलब होता है आपका ब्रांच। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जहाँ भी ब्रांच होगा, जहाँ भी आप अकाउंट खुलवाए होंगे उस ब्रांच नेम को आपको यहाँ पर लिखना है। देख सकते हैं जो कि मेरा ब्रांच नेम है न्यू मार्केट पटना। आपका जो भी ब्रांच नेम होगा यहाँ पर अपना ब्रांच नेम लिखेंगे। देन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा डेट। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर डेट टाइप करना है, यानी जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप करें, जिस डेट को आप फॉर्म को जमा करेंगे बैंक में, उस डेट को आपको इस बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे अपना डेट को भरने के बाद उसके बाद इधर देखने मिलेगा फोटो। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अपना एक पासवर्ड साइज फोटो, यहाँ पे क्या करेंगे आपका जो पासवर्ड साइज फोटो होगा उस फोटो को यहाँ पे आपको लगा देना, यानी आपको यहाँ पर चिपका देना है। उसके बाद देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ पे देखेंगे एटीएम डेबिट कार्ड प्लीज टिक, यानी आपको जो एटीएम कार्ड जो लेंगे किस टाइप का एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं, देखेंगे क्लासिक, प्लेटिनियम, अदर्स। तो यहाँ पे गाइस जो मोस्टली होता है, जो सारे लोग यूज करते हैं वो क्लासिक होता है। तो क्या करेंगे आप, सिंपली यहाँ पे आप क्लासिक में आपको यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे क्लासिक में टिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप नेम अकाउंट होल्डर इन ब्लॉक लेटर, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह अपना नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, यानी आपको बड़े अक्षरों पर यहाँ पे क्या करेंगे अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप दूसरा में देखेंगे नेम ऑफ सेकेंड, यानी आप अगर ज्वाइंट अकाउंट है, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए हैं तो यहाँ पे उनका नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल अपना ही नेम लिखेंगे। अगर आप ज्वाइंट खाता है आपके पास तो यहाँ पे उनका भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे नंबर टू, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इन ब्लॉक लेटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपना नेम लिखेंगे, आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। और उधर यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, इधर आपको छोड़ देना है। उसके बाद गाइस इधर देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नंबर थ्री देखेंगे टाइप ऑफ कार्ड प्लीज टिक, यानी आपको यहाँ पर टिक करना है किस टाइप का कार्ड लेना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे मिलेगा पर्सनलाइज्ड, यहाँ पे क्या करेंगे पर्सनलाइज्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, इस जगह आपको यहाँ पर क्या करेंगे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नंबर फोर में देखने मिलेगा मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्या करेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर आपको इन बॉक्सों में क्या करेंगे आप यहाँ पे भर देंगे। आपको जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे दे दिया हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ढक दिया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे नंबर फोर में देखेंगे ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, भरना है तो यहाँ पे भर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखने मिलेगा डिटेल्स ऑफ अकाउंट, यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका अकाउंट किस टाइप का है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है यहाँ पे क्या करेंगे आपको एस बी लिख देना है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है यहाँ पे एस बी लिखेंगे, अगर आपका करेंट अकाउंट है यहाँ पे क्या करेंगे सी ए लिखेंगे, सी ए लिख के लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखने मिलेगा आपको अपना 16 डिजिट, यानी जो आपका अकाउंट नंबर होगा आपकी पासबुक में लिखा हुआ था उस अकाउंट नंबर को आपको इन बॉक्सों में सही सही भर देना है, यहां पे आपको कुछ मिस्टेक नहीं करना है, इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस यहां पे आप देखेंगे नंबर 6 में देखेंगे नंबर सेलेक्ट एड्रेस फॉर डिलीवरी फॉर कार्ड, यानी आप जो एटीएम कार्ड लेंगे किस एड्रेस पर लेना चाहते हैं, किस जगह जगह लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रांच एड्रेस, आपका जो ब्रांच दिया हुआ जहाँ पे भी ब्रांच है अगर आप उस एड्रेस पे लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप परमानेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, जैसे आप जहाँ आपका घर है, अगर आप उस एड्रेस में लेना चाहते हैं उस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ गाइस यहाँ पे क्या करेंगे आप परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ब्रांच एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ ब्रांच होगा वहाँ पर आपका एटीएम कार्ड आएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे जैसे आप अकाउंट खुलवाते समय अपना जो एड्रेस दिए थे उस एड्रेस में आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा, बाय पोस्ट आएगा आपका एटीएम कार्ड पोस्ट ऑफिस में आएगा। कभी कभी क्या होता है कॉल करता पोस्टमैन कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो आ चुका है, आप यहां आके लेके जाइए। तो इस तरह से यहां पे क्या करेंगे आपको अपने अनुसार यहां पे चूज कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे आपको यहाँ पे नीचे आ जाना, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आप देखने मिलेगा सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पे क्या करेंगे अपना सिग्नेचर कर देंगे, यानी जिसका एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे अपना सिग्नेचर करेंगे। अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं ज्वाइंट खाता वाला को, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे। तो आपको जैसे जैसे मैं बताया इस तरह से आपको क्या करना सही सही फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मैं अपना यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पर्सनलाइज में टिक किया हूँ, उसके बाद नेम, फिर नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर
इसके लिए अपना ब्रांच नेम यहाँ देख सकते हैं ऊपर में ब्रांच नेम और अपना फोटो यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइस इसके साथ साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा अपना एटीएम कार्ड को लेने के लिए, यानी अपना फॉर्म जो फिलअप करेंगे बैंक में जो जमा देंगे, इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर इनके साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दूँ, इनके साथ यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, लेकिन आप अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनके साथ अपना आधार कार्ड और अपना जो बैंक का पासबुक का जो फोटोकॉपी होता है उस फोटोकॉपी को आपको, यानी आप क्या करेंगे आपका जो पासबुक होगा, पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे आपका नेम वगैरह होता है उनको क्या करेंगे आप जेरोक्स कर लेंगे, उनके साथ आपको इसको लगा के उसके साथ अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, इनके साथ अटैच करके आपको पिनअप करके क्या करना अपने बैंक में जहाँ पे आपका ब्रांच है वहाँ पे जाना और इस फॉर्म को जमा देना, या तो आप किसी भी पंजाब नेशनल बैंक में जाके जमा कर सकते हैं या तो आप उसका जो मेन ब्रांच है वहाँ पे जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद लगभग जो होता है लगभग 7 से 15 यानी 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो एटीएम कार्ड होगा, आपका जो डेबिट कार्ड होगा बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना, सबसे पहले ब्रांच नेम, डेट, अपना नेम, क्लासिक अगर लेना चाहते क्लासिक, अगर प्लेटिनियम लेना चाहते प्लेटिनियम तो उसका यहां पे नेम लिखेंगे, उसका इस तरह से अपना जिस तरह से मैं आपको बताया हूं इस तरह से अपना फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो आपका जो एटीएम कार्ड होगा 100% आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड के लिए इस फॉर्म को भरना सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।